फंसे को तैयार। परमेश्वर मूसा और हारून के फिरौन के दौरे जो बुरनो करिए छाड़े कि इजराइली लोगों के जानो दे तीनू तैसे के चेतावनी दे कि जे से तीनू के जानो ने देला तो परमेश्वर मिस्र देश के लोगों और जानवरों के सोबे जैठे के मारे देंदा। फिर उन्हें जो सुने बाबे परमेश्वर पांदी विश्वास करनो और तेसके बात मनानो से बाजे गुआ। परमेश्वर तेसे पांदी विश्वास करनो वाले कोसी के बे पहलोटे बैठे के बचानो करिए एक इंतजाम करा सोबी कुड़बे के एक निर्दोष गपटू के काटनो थियो। परमेश्वर इजराइली लोगों के तैसे गपटू को लुई करे बा अपने गोरो के द्योले पांदी लानो करिए बोलो तिनके तितको मांस बुझनो थियो और तिनके अखमीरी रोटी के साथी तिथु फुर्ती से खानो थियो। तेने तिथु खानो खानो के बाद तिनु के तावड़े मिस्र देश के छोड़नो के बे त्यार रोनो करिए बोलो जैसे के करनो करिए इजराइली लोगों के परमेश्वर आदेश दिया और तिनु तित के हिसाब से सो बैठू करो। आधी राती बितरा परमेश्वर का स्वर्गदूत सोबी के जैठे बैठे के मरदे भी मिस्र देश से होए बा होटा। इजराइली लोगों के सोबी गौरव के द्वारो पांदी लुई लागी ओंदो थियो इत करिए परमेश्वर है तीनू गौरव के छोड़ दिए। तिनके बितरे के सोबे लोग ठीक ठाक थिए से गपटू के लुई लई बोचे गुए थिए पर मिस्र देश के लोग परमेश्वर पांदी विश्वास न कोरी और तेसके आदेशों के ना मानी इत करिए परमेश्वर है तिनके गौरव के ना छोड़ी। परमेश्वर मिस्र देश के सोबी जैठे बैठे के मारे दिए कैद खाने के कैदी के जैठे तोड़ी सोबे जैठे बैठे मोरे गोए। अपने ननड़िया के पीड़ो की वजह से मिस्र के बोरी से लोग रोए रोए थे और शोक बारे लुआ थिया। त्यो ही राते फिर उन्हें मूसा और हारून के बुई दे और बोलो इजराइली लोगों के नियो तावले ही मिस्र देश परे से आगू जाओ। मिस्र के लोग बे इजराइली लोगों से तावले ही आगू जानो के बेनती करे। निर्गमन अध्याय 11 और 12 परे से बाइबल की एक कहानी।